तो गाइस क्या आप यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो मार्कशीट है वो ओरिजिनल मार्कशीट में क्या आप करेक्शन करवाना चाहते हो? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। और अगर करेक्शन करवाना चाहते हो, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से करेक्शन होगा, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख लीजिएगा, मेरे पास में यहाँ पर मार्कशीट है, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल मार्कशीट मेरे पास में, जिसमें मैंने करेक्शन करवाया हुआ है। यहाँ पर जो साइन है वो भी आप देख सकते हो। क्या इसका क्या जो है वो क्या तरीका है, किस तरीके से आप भी करेक्शन करा सकते हो, साथ में प्रोसेस क्या आता है, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है, किस तरीके से, किसके माध्यम से आप करवा पाएंगे, कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट वीडियो मैंने किस तरीके से जो है वो फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल किया जाएगा, वो कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले जो है वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। इसके लिए तो ऑनलाइन फॉर्म में अगर फीस की बात करूँ तो 260 रुपये यहाँ पर आपके लगने वाले हैं। 260 रुपये पर मार्कशीट के अगर लगने वाले हैं। अगर एक मार्कशीट में करेक्शन करवाते हो तो आपको 260 रुपये आपको फीस लगने वाली है। फॉर्म फिल करना होगा करेक्शन का, और उसके बाद में आपको जो है वो यूनिवर्सिटी जाना होगा। यूनिवर्सिटी जाना होगा अपनी ओरिजिनल मार्कशीट को लेके, और उसको ले जाके वहाँ पर करेक्शन के लिए देना होगा। दो कॉपी आपको बिल का मिलेगा, एक स्टूडेंट कॉपी, एक यहाँ पर ऑफिस कॉपी। तो ऑफिस कॉपी को वहाँ पर रख लिया जाएगा, आपकी मार्कशीट पर करेक्शन कर दिया जाएगा, और एक आपकी जो स्टूडेंट कॉपी आपको दी जाएगी। कैसी रहेगी वो कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ये यहाँ पर जो कॉपी है ये बिल की है, जिसमें आप डिटेल वाइज जो फिल करते हो वो चीज़ें। तो ये रही मार्कशीट, ये रहा बिल। आपको एक जमा कराना होता है, एक में जाके आपको करेक्शन कराना होता है, और करेक्शन आपका हो जाता है। कहाँ पर होगा? वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे जो डिपार्टमेंट भवन है उसी में आपका जो है वो करेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बिल किस तरीके से कटवाना है, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है करेक्शन के लिए, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फॉर्म फिल कीजिए और यूनिवर्सिटी जाइए, बिल को लेके आपको करेक्शन करके दिया जाएगा। यहाँ पर मार्कशीट में करेक्शन करने की बात कर रहा हूँ मैं, डुप्लीकेट मार्कशीट का ये प्रोसेस नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि डुप्लीकेट मार्कशीट, डुप्लीकेट नहीं, करेक्शन करवानी, ओरिजिनल मार्कशीट में करेक्शन किस तरीके से करवा सकते हो, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसमें करेक्शन करवाना। तो दोस्तों ये तरीका था, वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके वीडियो को वॉच कीजिए, और उस वीडियो की सहायता से आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा, और उसके बाद में जो है वो आप यहाँ पर जो करेक्शन कराने का पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है कि आपको ओरिजिनल मार्कशीट को लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको जो है वो करेक्शन करके दिया जाएगा, और बिल आपका है वो वहाँ पर सबमिट करवा लिया जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अभी एक जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कब तक की मार्कशीट दोस्तों, यूनिवर्सिटी की कब की भी हो, उस मार्कशीट को करेक्शन कर दिया जाएगा। आधार कार्ड बेस पे आपका जो है वो करेक्शन किया जाएगा, लास्ट ईयर की मार्कशीट ली जाएगी और आधार कार्ड के बेस पे आपको जो है वो करेक्शन कर दिया जाएगा। लास्ट ईयर जैसे कि 10th 12th की मार्कशीट हुई, उसके बेस पे आपका जो है वो करेक्शन किया जाता है। फिलहाल दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करें, साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलता है ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।